Do subscribe and don't forget to press the bell icon to get instant notifications. अब बात करते हैं नासिक नगरी के कुछ अन्य दर्शनीय स्थलों की। इनमें सबसे पहला नाम है सुंदर नारायण मंदिर। सुंदर नारायण का मंदिर आदित्यवार में स्थित है। इसका मुख्य द्वार पूर्व की तरफ से है। मंदिर में काले पत्थर की तीन प्रतिमाएं हैं। एक तो नारायण की है जो 3 फुट ऊंची और बीच में स्थित है। उससे छोटी प्रतिमाएं लक्ष्मी जी की हैं जो दोनों ही ओर स्थित है। अगला है गोदावरी घाट। नदी के किनारे पक्के बरांडे हैं जो गोदावरी तट से सीढ़ियों द्वारा जुड़े हैं। यात्री स्नान करके यहीं पर पूजा अर्चना करते हैं। अगला है पवित्र कुंड। गोदावरी नदी व बरांडों के मध्य में छोटे छोटे अनेक कुंड हैं जिनका नाम क्रमशः सीता कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, धनु कुंड तथा हनुमान कुंड है। यात्री इन्हीं कुंडों में स्नान करके पुण्य प्राप्त करते हैं। अगला है प्राचीन मंदिर। नदी के दोनों तटों पर अनेक प्राचीन मंदिर स्थित हैं। रामकुंड के ऊपर गंगा जी का मंदिर है और पास में गोदावरी मंदिर है जो 12 वर्ष में केवल एक बार ही खुलता है और वह समय कुंभ का होता है। अगला है शिव मंदिर। रामकुंड से कुछ सीढ़ियां ऊपर कंपालेश्वर महादेव का मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि शंकर जी के हाथ में चिपका ब्रह्मा जी का सिर गोदावरी स्नान से ही पृथक हुआ था। अगला है पंचवटी। राम मंदिर से कुछ दूर 5 वट वृक्ष का प्रांगण है जिसमें मंदिर ना होकर कुछ पुराने मकान हैं, जिसमें निम्नलिखित स्थान है। एक मकान में राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां दीवार के ताक में स्थित हैं। इसे राम मंदिर कहा जाता है। दूसरे मकान में घुसने पर कई तला नीचे तहखाने तक जाना पड़ता है। वहां पर छोटी गुफा है जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता की छोटी मूर्तियां स्थापित हैं। इसे सीता गुफा कहा जाता है। पंचवटी में राम ने अपने वनवास के कुछ वर्ष सुखपूर्वक बिताए। इस क्षेत्र का महत्व इसी कारण बहुत अधिक है कि यहाँ राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया था। इस क्षेत्र के विशाल भाग को दंडकारण्य कहते हैं। पंचवटी का वन क्षेत्र इसी के अंतर्गत है। अगला है श्री राम जी मंदिर। यह पश्चिम भारत के सुंदरतम मंदिरों में गिना जाता है। इसमें एक नकाशी द्वार मंच है जिसके ऊपर राम, लक्ष्मण और सीता की काले पत्थर की मूर्तियां हैं। अगला है नरू शंकर का मंदिर जिसे रामेश्वर मंदिर भी कहते हैं। गोदावरी के बाएं किनारे पर है और यह स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। अगला है भ्रामरी भद्रकाली। शक्तिपीठ का मंदिर यहाँ पर शिखर युक्त नहीं है, केवल भद्रकाली की मूर्ति नवदुर्गाओं के मध्य है।